Of course, yes, a lot of music videos. उसमें से I'll be singing, of course, again. Two more music videos are coming, और मैं एक मराठी म्यूजिक वीडियो भी कर रही हूँ, which I'm really excited for. तो मराठी सिनेमा में मैंने कभी कदम नहीं रखा था, बट ये पहली बार हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है उस बात के. एंड साउथ सिनेमा की तरफ थोड़े कदम बढ़ रहे हैं मेरे, तो कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ से बहुत ज़्यादा. जब आप कई सारे प्रोफेशन साथ में परस्यू करते हो ना, तो आपके हाथ पैर हर जगह लगे रहते हैं, तो वैसी सिचुएशन है मेरी. बट आई बिलीव कि यू नो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ एक्चुअली बेटर देन मास्टर ऑफ वन. तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की काबिलियत हो तो दुनिया में क्यों हम पीछे हटें. वहाँ काम छोड़ कर यहाँ आना, यहाँ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, फिर रेज्यूम करके वहाँ काम वापस शुरू करना, और जब तक यहाँ प्रोजेक्ट्स के शूट चल रहे हैं, मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी. एंड आई डोंट लाइक टू गेट कम्पेयर्ड विथ अदर सोशल मीडिया पीपल, बिकॉज जो मैंने अचीव किया है वो नहीं कर पाएंगे. दे कांट बी अ डॉक्टर. मैं एक टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ. तो हर दूसरा इंसान उठकर एक यूट्यूबर बन सकता है, या टिकटॉकर बन सकता है, या म्यूज़िक वीडियो में आ सकता है, लेकिन हर दूसरा इंसान उठ के एक डॉक्टर नहीं बन सकता. सो आई जस्ट फील, लेट्स नॉट कंपेयर एंड लेट मी बी इन माई ओन डिग्निफाइड स्पेस. मैं अब्दू से पहली बार बिग बॉस के घर में जब मिली थी कन्फेशन रूम में, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब्दू यू आर गेटिंग मैरिड. वो हक्का पक्का रह गया, हैरान रह गया, ऐसे देख रहा था मुझे. और आज देखिए वो प्रेडिक्शन कैसे यू नो फुल फ्लेज हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. मुझे लगता है अब्दू से बेहतर हस्बैंड और फैमिली मैन कोई बन ही नहीं सकता है. ही इज़ अ प्योर मैन, ही इज़ अ वेरी प्योर हार्टेड काइंड मैन, एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी कि उसकी ज़िंदगी में एक स्पेशल मोमेंट आ रहा है. मेरी अब्दू से कभी दोस्ती ही नहीं रही है ना, मैं शो में एक दिन के लिए भी ढंग से उससे मिल नहीं पाई. उसके बाद मैं शायद जैक से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, इफ़ आई कुड यू नो ट्राई टू कनेक्ट एंड स्टफ. नहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने तो बहुत ही सही डिसीजन लिया, क्योंकि बाकी लोग मेरे आसपास जो थे वो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और फेमस थे. तो वो पिछले 10-12 सालों से सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ काम कर करके हज़ारों तीर मारे जा रहे थे, मुश्किल से उनका एक तीर लगा. मैंने तो एक तीर मारा और वो निशाने पे लग गया, तो मैं क्यों अपना डिसीजन रिग्रेट करूँ. हेलो हनीज, आई हैव डन द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ.